आइए जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडमैन आर्ग्यू कर रहे हैं फ्राइडमैन बोलते हैं कि जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए अपने शेयर होल्डर के प्रति बिकॉज़ शेयर होल्डर उनके कंपनी में निवेश करते हैं रिस्क ले रहे हैं इसलिए कंपनी का धर्म होता है कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो Uh, जितने भी रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल हैं उन सभी रिसोर्सेज को इंक्रेज करें और प्रॉफ मै जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को और जो भी प्रॉफिट हो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाए और वो भी अच्छे तरीके से बिना फ्रॉड किए कंपनी अच्छे से कंपटीशन फेस करते हुए आगे बढ़े तो इस तरीके से फ्राइडमैन एर्ग्यूमेंट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कहते हैं कि कंपनी की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है में कहते हैं कि कंपनी का जो भी पैसा होता है अगर वो शेयर होल्डर कंपनी का जो भी पैसा है वो शेयर होल्डर का होता है क्योंकि शेयर होल्डर ही अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं और वो पैसा अगर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि नेचुरल डिजास्टर इन सभी में अगर पैसा लगा देगी तो बिज़नेस के ग्रोथ में बिज़नेस को आगे बढ़ाने में पैसा कहाँ से आएगा इसलिए उनका कहना है कि उस पैसे को वो कंपनी नहीं लगा सकती है तो इस तरीके के कुछ एर्ग्यूमेंट है जो फ्राइडमैन करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्राइड मैन एर्ग्यू फॉर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म एंड अगेंस्ट एनी एक्टिविटी दैट डिजॉर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फ्राइड मैन एर्ग्यू कर रहे हैं कि जो भी चीज इकोनॉमिकली इकोनॉमिक फ्रीडम से हमें अलग कर रही है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए सोशली रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज कंडक्ट बाय कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन द्वारा ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्टिविटी होती है जो किया जाता है काम वो सब कंडक्ट करती है कॉरपोरेशन एंड आर अकॉर्डिंग टू फ्राइड मैन डिस्टोर्टिंग इकोनॉमिक फ्रीडम बिकॉज शेयर होल्डर आर नॉट एबल टू डिसाइड हाउ देयर मनी विल बी स्पेंड और फ्राइडमैन कहते हैं कि शेयर होल्डर को पता नहीं रहता है कि उसको उसको अपना पैसा कहाँ पे लगाना है है ना कहाँ पे खर्च करना चाहिए और यही वजह है कि कंपनी इकोनॉमिक फ्रीडम जो है उसको डिस्ट्रॉय डिस्टोर्टिंग हो जाता है क्योंकि कंपनी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, में एक्टिविटी में पैसा लगा देती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दस फ्राइडे आर्ग्यू दट कॉरपोरेशन शुड फोकस ऑन दोज एक्टिविटी इसलिए फ्राइडे कहते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा मत लगाइए क्योंकि शेयर होल्डर को पता नहीं होता है पैसे किस तरीके से खर्च करने चाहिए इसलिए वो आपके कंपनी में लगा देते हैं और अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा लगा देंगे तो बिजनेस किस तरीके से करेंगे तो फ्राइडमैन बोल रहे हैं कि बाबा ये जो कारपोरेशन है उसको फोकस करना चाहिए उन वो एक्टिविटी में जो कैजुअली रिलेटेड टू तो कंपनी प्रॉफिट ऐसी एक्टिविटी में नहीं ऐसी एक्टिविटी में पैसा लगाना चाहिए जो कि कंपनी के प्रॉफिट में हो उस एक्टिविटी में अगर कंपनी पैसा लगाती है तो दैट्स गुड एफेक्टिवली एक्सक्लूडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी डैट डू नॉट डायरेक्टली जनरेटेड रेवन्यू तो वो कहते हैं फ्राइड मैन की जो आप चैरिट चैरिट में दे देते हैं चैरिटेबल एक्टिविटी कर देते हैं दान कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू जनरेट नहीं करती हैं डायरेक्टली राइट right? जल्दी से डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करती हैं तो इसलिए कॉरपोरेट को सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए एन अदर प्रिंसिपल एक्सप्रेस बाय फ्राइड मैन फ्राइडमैन के कुछ सिद्धांत है जो उन्होंने बताए हैं कि जो जरूरी है इज़ द नीड टू स्टे विथ इन द रूल ऑफ़ द गेम कम तो फ्राइडमैन कहते हैं कि ये जरूरी होता है कंपनी के लिए कॉरपोरेशन के लिए कि वो रूल ऑफ द गेम में रहें ये जो खेल है उस खेल में ही बना के रखें स्पेशली अवॉइडिंग डिसेप्शन एंड फ्रॉड और फ्रॉड को डिसेप्शन को थोड़ा दूर ही रखें एंड दिस इज फर्दर एक्सप्लीकेटेड वेन ही राइट इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी जब वो लिख रहे थे सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में तभी उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं अपने प्रिंसिपल्स अ कारपोरेट एग्जीक्यूटिव हैज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू विथ शेयर होल्डर डिजायर कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस को वो इस तरीके से कंडक्ट करे कि जो शेयर होल्डर की डिजायर है जो शेयर होल्डर चाहता है है ना टू मेक मच मनी एज मच मनी एज पॉसिबल वाइल कंफर्मिंग टू देर बेसिक रूल ऑफ द सोसाइटी तो जो भी जा जितना उतना ज़्यादा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा इंक्रीज करे है ना मनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे ये बेसिक रूल होता है उसका सोसाइटी में कंपनी का रूल होता है ये एंड दोज इज़ इन लॉ दोज इज़ इन एथिकल कस्टम्स दिस इंप्लाई दैट फ्राइडमैन डज नॉट प्रो क्लेम दैट डायरेक्टर्स कैन एक्ट इन एनी वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज दे टू अबाइड बाय द लॉ एंड द फॉलोवर फॉलो एथिकल कस्टम्स ही हाउ वेवर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड चैरिटेबल एक्टिविटी एज डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट यहाँ पे फ्राइड मैन कहते हैं कि डज नॉट प्रो क्लेम दैट डायरेक्टर हम डायरेक्टर को ये नहीं बोल सकते कि उसको मैग्जीमाइज करना चाहिए प्रॉफिट क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टर ने एथिकल कस्टम्स बना के रखे होते हैं कि हमारे बिजनेस में इस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से लॉ होना चाहिए जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था तो इसीलिए हमें देखा जाए तो स्पेसिफिकली चैरिटेबल जो चैरिटेबल एक्टिविटी होती हैं उन पे हमें जब हम लगाते हैं पैसा तो हमको वो डायरेक्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट नहीं करता है है ना प्रॉफिट डायरेक्टली हमको नहीं मिलता है इसीलिए नाम तो हो जाता है लेकिन डायरेक्टली हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन फ्राइडमैन के व्यू के हिसाब से गुड कॉरपोरेशन इज़ नॉट द वन दैट अंडरटेक एक्टिविटी ओनली बिकॉज दे आर एथिकली गुड तो फ्राइडमैन के हिसाब से कहना है कि जो अच्छा कॉरपोरेशन होता है जो अच्छी कंपनी होती है वो सिर्फ़ एथिकली अच्छा है इसलिए पैसा लगा दो उधर ये नहीं करती है वो ऐसी आ, ऐसी कंपनियां ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करती हैं एथिकली गुड है इसलिए वहाँ पैसा लगा दो तो इस तरीके की नहीं करती हैं तो अच्छी कंपनियां क्या करती हैं बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली गुड जो कंपनियां इकोनॉमिकली गुड हैं वो कर सकती हैं ये काम लेकिन अगर जो इकोनॉमिकली बराबर नहीं है है ना अभी अभी कंपनी खड़ी की और चले हैं दान करने तो वो उनके लिए बराबर नहीं हो सकता तो फ्राइड मैन यही समझा रहे हैं वन ऑफ फ्राइड मैनस एर्ग्यूमेंट फॉर मोर मेन एग्रीमेंट फॉर एक्सक्लूडिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बिजनेस टेम फ्रॉम हिज व्यू ऑन एथिकल स्पेंडिंग फ्राइडमैन मैन यहाँ पे कुछ मेन एर्ग्यूमेंट uh, कर रहे हैं Uh, जैसे कि एक्सक्लूडिंग कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सक्लूडिंग बोल रहा है फ्रॉम बिजनेस बिजनेस के बाहर की बात कर रहे हैं फ्रॉम हिस्स व्यू ऑन द एथिकल स्पेंडिंग स्पेंडिंग योर ओन मनी ऑन योर सेल्फ स्पेंट वाइजली यहाँ पे बिजनेस uh, को छोड़ के बाकी चीज़ों में ये कहते हैं फ्राइडमैन कि आप अपना पैसा जो है है ना ओन मनी खुद का मैनी मनी जो है आप खुद के लिए खर्च करिए वाइजली और अच्छी तरीके से खर्च करिए स्पेंडिंग योर मनी ऑन अदर जब आप दूसरों को खर्च करते हैं दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं तो स्पेंड वाइजली बट चैलेंजिंग जब आप दूसरों को खर्च करेंगे दूसरों को पैसा देंगे तो ये एक चैलेंज टाइप का होता है और आपको बहुत ही स्मार्ट uh, वे में करना होता है खर्च स्पेंडिंग पीपल मनी ऑन योर सेल्फ स्पेंडिंग पीपल्स मनी ऑन योर सेल्फ जब भी लोग तुम्हारे पे पैसा लगाएंगे खर्च करेंगे तुम पे लिटिल इंसेंटिव टू इकोमाइज इकोनोमाइज मतलब कि उनको थोड़ा बहुत आपके पास अगर कोई आप पे पैसा लगा रहा है तो आप उनको प्रॉफिट करके दो स्पेंडिंग पीपल मनी ऑन अदर पीपल मान लो कि बाकी कोई पीपल्स के बाकी लोगों पे आप खर्च कर रहे हैं दे रहे हैं जैसे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम तो इन सारी चीज़ों में भी आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन सोच समझ के सही तरीके से लगाना है फ्राइड मैन आर्ग्यू दैट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर टू अंडरकेट सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम बिकॉज देयर इज अ लिटल इंसेंटिव फॉर प्रोडेंट एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली वैन वन इज अ स्पेंडिंग मनी ओन टूर द शेयर होल्डर थ्रू डिविडेंट तो यहाँ पे डिविडेंट के थ्रू शेयर होल्डर को भी देना होता है कंपनी को तो इसलिए कंपनी को सोच समझ के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पैसा लगाना चाहिए फ्राइडमैन प्रोक्लेम दैट कॉरपोरेशन इज मोस्ट मोरली न्यूट्रल लीगल कंस्ट्रक्ट विथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट रिटर्न शेयर होल्डर एज एट सिंगल परपज़ सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए शेयर होल्डर को इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कंपनी को काम करना चाहिए और यहीं पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि जो एम्प्लॉयी होते हैं कॉरपोरेशन का धर्म होता है कि वो अपने पर्पस पे ध्यान दे सिंगल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव की यही रहती है कि टू मीट शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन कि डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव uh, जो हैं इनका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे मेल खाना चाहिए इनका जो भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैक्सिमम रिटर्न देना चाहिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था आपकी कंपनी में तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दो फ्राइड में वे वे सिमिलर टू सोशल ड्राविनिज्म सोशल ड्राॅिनिज्म से ज़्यादा मिल रहा है इनके व्यू फ्राइड में इनके अप्लाइंग द सर्वाइवल ऑफ फिटेज प्रिंसिपल टू द मार्केट टू एंश्योर द बेस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम Uh, जितना पॉसिबल हो सके उतना आउटकम निकालने की कोशिश की जाए एंड फ्राइड मैन इक्विड बींग अ फिटेस्ट एज बिंग कॉरपोरेशन हाई रिटर्न टू शेयर होल्डर बार बार वही चीज़ बोली गई है कि शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए एंड व्हेन द इशू ऑन इलेक्ट्रिक कंपनी दैट कट सप्लाई टू कस्टमर फॉर नॉन पेमेंट अपॉन विच कस्टमर डाइड एज अ कॉन्सिक्वेंसिस वॉज प्रेजेंटेड टू फ्राइड ही अप्लाई अ कैंटियन व्यू फ्राइडमैन देखा जाए तो कांटियन व्यू कां कांट की थ्योरी हमने देखी थी ना उन्हीं के थ्योरी के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि थ, कांट की थ्योरी में क्या था कि मोरल ड्यूटी है ना ड्यूटी पे ध्यान दो तो यहाँ पे फ्राइडमैन बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी पे ही ध्यान दीजिए इसलिए फ्राइडमैन और कांट की थ्योरी काफ़ी मैच हो रही है कि अपने ड्यूटी पे ध्यान रहना चाहिए आपका आप अपने धर्म पे ध्यान दो यूनिवर तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्राइड मैन के व्यू क्या हैं सोशल इकोनॉमिक स्कूल से रिलेटेड ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में